केंद्र की सरकार कोई सच्चाई सुनना नहीं चाहती। सब विपक्षी दल इकट्ठे होकर आए हैं और देश भर में इस बात को जनता तक हम पहुंचा रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर बोलने का अधिकार, सच्चाई सुनने का और विपक्ष की आवाज को दबाने का जो एक कार्यक्रम भाजपा की सरकार कर रही है उसके विरोध में लोग हैं। हम लोग आज जयपुर के अंदर इस जुलूस को निकाल रहे हैं और लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में अपनी बात बोलने का सब लोगों को है। और मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले कुछ समय में लोगों को, खासकर विपक्ष के लोगों को टारगेट किया गया है। 95% नेता और लोग जिनको ईडी ने नोटिस दिया, छापे डाले या केस किया, वो सब विपक्ष के हैं। तो ये बात तो गले उतरती नहीं है कि इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, सब सिर्फ 95% जो टारगेट किया वो विपक्ष के लोगों को किया। अपनी बात बोलने दिया नहीं जा रहा, ना संसद के अंदर, संसद के बाहर। इस बात का विरोध करते हुए हम सब लोग आज सड़कों पर आए हैं और मैं समझता हूँ पूरे देश में लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हम साथी लोग, कांग्रेस के लोग, हम सच्चाई और अपनी बात अपने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जो रवैया रहा केंद्र सरकार का, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी में सरकार और विपक्ष दोनों बहुत अहम हिस्से हैं। अगर आप बात को सुनो ना, बात बोलने ना दो, संसद को चलने ना दो, 45 लाख करोड़ का बजट बिना चर्चा के पास हो जाए और जिस प्रकार आक्रामक नीति अपनाई है भाजपा ने, केंद्र सरकार ने, मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। घमंड और अहंकार में जो सरकार डूबी होती है उसको जनता अपने आप जगाती है। लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि आवाज लोगों की सड़कों पर लेकर जाएं और सिर्फ जयपुर में नहीं, पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में लोग इस बात को समझ गए हैं कि भाजपा ने पूरी कोशिश की है लोगों की आवाज को दबाने का, लेकिन हमारी बात को हम लोग रखेंगे। पार्लियामेंट में बोलने नहीं दे रहे हैं आप लोग, पार्लियामेंट से लोगों को निष्कासित कर रहे हैं। अगर कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया था तो ऐसी क्या आफत्ति कि 24 घंटे में आपको अपील करने से पहले निष्कासन कर देना। और लगातार कोशिश की जा रही है कि विपक्ष की बात, अब विपक्ष सारा इकट्ठा आया, पहली बार आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस, एनसीपी सब मिलकर केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, उसे भाजपा घबराई हुई है।